गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। इन लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस द डिज़ाइनिंग ऑफ एस्पर गियर। हम वही सेम पार्ट को सेम डिज़ाइनिंग कंटिन्यू करेंगे। ओके, एस्पर गियर की डिज़ाइनिंग करेंगे। ओके, इन लास्ट सेशन वी हैव कवर्ड द फोर्स एनालिसिस एज वेल एज द बीम स्ट्रेंथ ऑफ द एस्पर गियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म था। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट मीन्स द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, दैट मीन्स जब आपका टूथ रिवील आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे जो परमिसिबल आपका बेंडिंग स्ट्रेस है उसकी आपका प्रोफाइल क्या है आपका, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। द टूथ ऑफ द गियर इज सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग बेंडिंग स्ट्रेस एज इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेसिंग टूथ। द स्ट्रेस टाइम डायग्राम फॉर गियर टीथ आर इलस्ट्रेटेड इन फिगर 4.5। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड फ्रॉम द फिगर। आप देख पा रहे हैं आपका एक आपका ड्राइविंग व्हील होता है, दूसरा आपका ड्रिवन व्हील, और बीच में आपका जो होता है इंटरमीडिएट गियर उसे हम क्या बोलते हैं, एडलर गियर। ओके, सो ऑब्जर्वेशन के दौरान क्या देखा हमने, द टीथ ऑफ द ड्राइविंग एंड ड्रिवन गियर्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस इन वन डायरेक्शनल ओनली एज शोन इन फिगर 4.5b। ओके, इट इज कॉल्ड रिपीटेड स्ट्रेस। फॉर दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा एम मीन स्ट्रेस क्या होगा आपका, मैक्सिमम स्ट्रेस का हाफ होगा, एंड जो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है आपका सिग्मा ए, ये भी आपका मैक्सिमम का हाफ होगा। ओके, फिर सिग्मा मैक्स क्या आपका मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा एम मीन स्ट्रेस, एंड सिग्मा ए इज द स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। ओके, सेकेंड पॉइंट, द टीथ ऑफ द आइडलर गियर और प्लेनेटरी पिनियन आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस इन बोथ डायरेक्शन एज शोन इन फिगर 4.5c। इट इज कॉल्ड रिवर्स स्ट्रेस। फॉर दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मीन स्ट्रेस आपका जीरो रहेगा और जो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू आपका मैक्सिमम होगी। ओके, सिंस द टीथ आर सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, एंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस SE इज द क्राइटेरिया ऑफ डिज़ाइन। ओके, क्योंकि आपका फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस आपका सीन में आ रहा है तो आपका जो डिजाइनिंग क्राइटेरिया रहेगा वो कौन सी क्या रहेगा, एंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस रहेगा। देयरफॉर द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू द एंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस ऑन द गियर टूथ। सो द एंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस ऑफ द गियर टूथ डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस फिनिश ऑफ द गियर टूथ, साइज ऑफ द गियर टूथ, रिलायबिलिटी यूज इन डिजाइन, एंड स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन द गियर टूथ। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखा पहले से कि आपका एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर आपका अफेक्ट करते हैं। पहला था आपका सरफेस फिनिश फैक्टर, दूसरा आपका साइज फैक्टर, तीसरा आपका रिलायबिलिटी फैक्टर, और चौथा था आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर, जो कि टोटली आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर पर आपका ये डिपेंड करता था। ओके, तो देखिए यहाँ पे किस तरह से आपका ये अफेक्ट करेंगे। फिफ्थ है आपका गियर्स रोटेट इन वन डायरेक्शन और बोथ डायरेक्शन। सिक्स है आपका गियर्स टू सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस इन वन डायरेक्शन और बोथ डायरेक्शन। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे, इन प्रैक्टिस इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट द एबव मेंशन डेटा फॉर ईच एंड एवरी केस ऑफ गियर डिज़ाइन। सो अर्ली बकिंगम हैज सजेस्ट दैट द एंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस ऑफ गियर टूथ इज अप्रॉक्सिमेटली 1/3 ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। देयरफॉर सिग्मा बी इक्वल टू SE इक्वल टू 1/3 ऑफ SUT। यानी कि हर एक एवरी मटेरियल के लिए आपका डिज़ाइन डेटा आपको तैयार करना, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता, तो उसके लिए अर्ली बकिंगम ने आपका एक रिलेशन दिया, दैट इज़ कि कोई भी आपका जो दैट मीन जो बेंडिंग स्ट्रेस है आपका या एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो हमेशा अल्टीमेट स्ट्रेंथ का आपका 1/3 रहेगा। ओके, इन केस ऑफ ब्रॉन्ज गियर्स द एंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस इज टेकन एज 40% ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ध्यान रखिएगा ब्रॉन्ज के लिए कितना लेते हैं आपका, 40% ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कंसीडर करेंगे। ओके, इफेक्टिव लोड ऑन गियर टूथ, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन टू मेसिंग टीथ इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग टू इक्वेशंस। दैट मीन जो टेंजेंशियल लोड है आपका वो यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टॉर्क MT इज इक्वल टू क्या था आपका, 16×10⁶ किलोवाट बाई 2πN, एंड MT क्या होता है और एंड PT क्या है आपका, क्योंकि आपको पता है MT बराबर क्या है आपका, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे MT क्या है आपका, दैट इज PT इंटू D' बाई 2। तो यहाँ से PT निकाल लेंगे आप, 2MT बाई D'। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट देयरफॉर डिपेंड्स अपॉन द रेटेड पावर एंड रेटेड स्पीड। सो इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन द टॉर्क डेवलप्ड बाय द सोर्स ऑफ पावर वेरीज ड्यूरिंग द वर्क साइकिल, ये आपका वेरिएशन रहेगा। सिमिलरली द टॉर्क रिक्वायर्ड बाय द ड्रिवन मशीन आल्सो वेरीज। इस प्रकार से देखा जाए तो
जो आपका टॉर्क रिक्वायर्ड है आपका बाय द ड्रिवन मशीन, ये भी वेरी करेगा। सो द टू साइड्स आर बैलेंस बाय मीन्स ऑफ फ्लाई व्हील इन गियर डिजायर द मैक्सिमम इन गियर डिजाइन द मैक्सिमम फोर्स ड्यू टू मैक्सिमम टॉर्क इज द क्राइटेरियन। दिस इज अकाउंटेड बाय मीन्स ऑफ अ सर्विस फैक्टर एंड द सर्विस फैक्टर सी एस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम टॉर्क अपॉन रेटेड टॉर्क। सी एस की वैल्यू आती है मैक्सिमम टॉर्क अपॉन रेटेड टॉर्क, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं आपका इन टर्म्स ऑफ सी एस इज इक्वल टू एम टी मैक्स अपॉन एम टी। यदि इसको लोड के टर्म में बात किया जाए तो सी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी टी मैक्स बाई पी टी। ओके, वेयर पी टी इज द टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू रेटेड टॉर्क एम टी एंड रीअरेंजिंग द टर्म्स पी टी मैक्स क्या हो जाएगा आपका सी एस इंटू पी टी सर्विस फैक्टर इंटू टेंजेंशियल लोड, यही आपका मैक्सिमम टेंजेंशियल लोड होगा। फॉर इलेक्ट्रिक मोटर के केस में आपका क्या हो जाएगा सी एस इक्वल टू स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन रेटेड टॉर्क, जस्ट अपोजिट हो जाएगा ये। ओके, ध्यान रखिएगा किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स। When the gear rotate at very low speed, almost at zero velocity, the transmitted load PT can be considered to be the actual force present between two missing teeth. Okay. However, जबकि in the most of the cases, the gears rotate at an appreciable speed and it becomes necessary to consider the dynamic force resulting from the impact between mating teeth. Okay. But generally क्या होता है आपका यहाँ पे जो गियर्स है आपका मूविंग कंडीशन में रहते हैं और कि उस केस में आपका डायनेमिक लोड को कंसीडर करना आपका मस्ट है। ओके, सो द डायनेमिक फोर्स इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल इनएक्यूरेसीज ऑफ द टूथ प्रोफाइल, एरर्स इन टूथ स्पेसिंग, मिसअलाइनमेंट बिटवीन द बियरिंग्स, इलास्टिसिटी ऑफ द पार्ट्स एंड इनर्सिया ऑफ द रोटेटिंग डिस्क। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखें, देयर आर टू मेथड्स टू अकाउंट फॉर द डायनेमिक लोड। फर्स्ट वन इज द अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन बाय द वेलोसिटी फैक्टर इन द प्रिलिमिनरी स्टेजेस ऑफ द गियर डिजाइन एंड प्रिसाइज कैलकुलेशन बाय द बकिंगहम्स इक्वेशन इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ द गियर डिजाइन। तो यहाँ पे आपका अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन है और दूसरा आपका ये आपका प्राइमरी स्टेजेस के लिए, जबकि बकिंगहम्स इक्वेशन है आपका वो फाइनल स्टेजेस के लिए है। तो दो मेथड है आपके पास। ओके, इट इज़ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ डायनेमिक लोड इन द प्रिलिमिनरी स्टेजेस ऑफ द गियर डिजाइन। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी अ वेलोसिटी फैक्टर सी वी डेवलप्ड बाई बर्थ इज यूज एंड द वैल्यूज ऑफ द वेलोसिटी फैक्टर आर एज फॉलोज। वेलोसिटी फैक्टर सी वी की वैल्यू कैसे आपका ये आपका वेरी करती है। देखें, फॉर ऑर्डिनरी एंड कॉमर्शियल कट गियर्स मेड विद फॉर्म कटर्स एंड विद वेलोसिटी लेस देन द 10 मीटर पर सेकेंड के लिए जो आपका वेलोसिटी फैक्टर सी वी होगा वो रहेगा आपका 3/3+V। जबकि सेकेंड पॉइंट, फॉर एक्यूरेटली हॉब्ड एंड जनरेटेड गियर विद वेलोसिटी लेस देन 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10-20 मीटर पर सेकेंड है, तो सी वी बराबर क्या हो जाएगा 6/6+V हो जाएगा मॉडरेट वेलोसिटी के लिए। ओके, नाउ फॉर प्रिसीजन गियर्स विद सेविंग ग्राइंडिंग एंड लैपिंग ऑपरेशंस एंड विद वेलोसिटी ग्रेटर देन 20 मीटर पर सेकेंड, उसके लिए सी वी हो जाएगा आपका 5.6/5.6+√V। ओके, वेयर वी क्या है आपका, वी इज द पिच लाइन वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड द पिच लाइन वेलोसिटी इज गिवन बाय पाई डी एन बाय 60। ओके, तो वी बराबर क्या हो जाएगा पाई डी डैश एन बाय 16 × 10³। द इफेक्टिव लोड बिटवीन टू मिसिंग टीथ इज गिवन बाई पी इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है सी एस इंटू पी टी अपॉन सी वी। तो पी टी तो आपको पता है यदि जो टेंजेंशियल लोड, सी एस है आपका सर्विस फैक्टर एंड सी वी आपका वेलोसिटी फैक्टर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये था आपका प्राइमरी स्टेजेस के लिए। नाउ इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ द गियर डिजाइन व्हेन गियर डायमेंशंस आर नोन, एरर्स स्पेसिफाइड एंड द क्वालिटी ऑफ गियर डिटरमाइंड, द डायनेमिक लोड इज कैलकुलेटेड बाई इक्वेशन डिराइव्ड बाई द अर्ली बकिंगहम, द इफेक्टिव लोड इज गिवन बाई पी इफेक्टिव इज इक्वल टू सी एस इंटू पी टी प्लस पी डी, यानी कि डायनेमिक लोड को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। देखिए यहाँ पे, वेयर पी डी इज द डायनेमिक लोड आर एडिशनल लोड ड्यू टू डायनेमिक कंडीशंस बिटवीन द टू मिसिंग टीथ। बकिंगहम्स हैज़ यूज्ड अ टर्म इंक्रीमेंटल डायनेमिक लोड फॉर पी डी, द डायनेमिक लोड इज गिवन बाई पी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 21V CEV प्लस पी टी होल डिवाइडेड बाई 21B+√CEV+PT।
तो ये आपका इक्वेशंस है जो आपका अर्ली बकिंग हमने डायनेमिक लोड के लिए आपका काउंट किया है, जिसे इंक्रीमेंटल डायनेमिक लोड भी बोलते हैं, वेयर पीटी इज द डायनेमिक लोड और इंक्रीमेंटल डायनेमिक लोड, वी आपका पिच लाइन वेलोसिटी, सी क्या है आपका डिफॉर्मेशन फैक्टर है, ई क्या है आपका सम ऑफ एयर बिटवीन टू मिसिंग टीथ, बी फेस विड्थ है, पीटी आपका टेंजेंशियल लोड है। तो आपको पीडी आपको पता है, वी आपको पता है, फेस विड्थ आपको बी पता है, टेंजेंशियल लोड पता है, केवल दो चीज़ें बताती है आपका, एक डिफॉर्मेशन फैक्टर और सम ऑफ एरर्स बिटवीन टू मिसिंग टीथ। ओके, द डिफॉर्मेशन फैक्टर सी डिपेंड्स अपॉन द मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल्स फॉर पिनियन एंड गियर एंड द फॉर्म ऑफ टूथ और प्रेशर एंगल एंड इट इज गिवन बाय सी इज इक्वल टू के अपॉन वन प्लस के होल डिवाइडेड बाय वन बाय ई पी प्लस वन बाय ई जी। ओके, तो यहाँ से आपका सी निकल जाएगा। अब एक और अननोन पैरामीटर आ गया, के इज द कॉन्स्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म ऑफ टूथ, ई पी क्या है आपका, ई पी इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पिनियन मटेरियल एंड ई जी इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द गियर मटेरियल। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे के लिए, द वैल्यूज ऑफ के फॉर वेरियस टूथ फॉर्म्स आर फॉलोज, के इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.017, 0.107 फॉर 14.5 डिग्री फुल डेप्थ टीथ, के इज इक्वल टू 0.111 फॉर 20 डिग्री फुल डेप्थ टीथ एंड के इज इक्वल टू 0.115 फॉर 20 डिग्री स्टब टीथ। ओके, क्लियर है। नाउ द इंक्रीमेंटल डायनेमिक लोड पी डी कैलकुलेटेड बाय बकिंगहम्स इक्वेशन इज फार मोर देन द करेस्पॉन्डिंग लोड कैलकुलेटेड बाय द वेलोसिटी फैक्टर मेथड। ओके, वेरी ऑफन इट इज 3 to 4 टाइम्स ऑफ द लोड पी टी ड्यू टू द पावर ट्रांसमिशन। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केसेज द एक्चुअल डायनेमिक लोड इज लेस देन दैट ऑफ द कैलकुलेटेड वैल्यूज by Buckingham's equation. This is because the equation is mainly applicable to large gear with connected masses that rotate at moderate speed. The actual dynamic load is less in the following cases. कौन कौन से ऐसे केस हैं देखें यहाँ पे, small gears transmitting low power, high speed, light load gears, small gears on small shaft, gear shaft up to 50 mm diameter and small gears transmitting less than 15 kilowatt power. Okay, gears on small diameter shaft easily twist through an angle equivalent to the effective tooth error and the dynamic load is reduced. Okay, so the error in the equation 4.3 is given by E is equal to EP plus EG. Okay, so the EP kya hai aapka error on pinion and EG kya hai aapka error on gear. तो ये आपका यूज़ करके सारी चीज़ आपको पता चल गई, ईपी पता चल गई, ईजी पता चल गया, आपको के पता चल गया क्या होगा, के बाद आपको सी निकाल लेंगे आपका के को पुट करके, तो यहाँ से आपका पीडी में सारी वैल्यू पुट करेंगे तो डायनेमिक लोड को आपका इंक्लूड करके यहाँ से इफेक्टिव लोड आप निकाल लेंगे। ओके, तो ये था आपका ओवरऑल एनालिसिस फॉर द लेविस इक्वेशन, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे बेसिकली इफेक्टिव लोड ऑन द गियर टूथ। ओके, सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपका गियर डिज़ाइन ख़त्म होती है आपका स्पर गियर की। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपका हेलिकल स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।